आ गए आप। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो सीएसपी के साथ में जो समस्याएं हो रही है, और हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि सीएसपी बेचारे को ये जो टारगेट बार बार जो दिए जा रहे हैं, दिन खत्म नहीं होते टारगेट आ जाते हैं। टारगेट से दिक्कत नहीं है सीएसपी संचालकों को, जो टारगेट देने का जो तरीका है इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। टारगेट सीएसपी संचालकों को दिया जा रहा है, क्या कभी भी बीसी महोदय या फिर आरएम सर ने सीएसपी संचालकों के भविष्य के बारे में सोचा है क्या? उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? गवर्नमेंट का सोशल स्कीम सीएसपी संचालक अगर गांव गांव तक पहुंचा रहा है, तो क्या बीसी की या फिर आरएम सर की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उन सीएसपी संचालकों का भी सुरक्षा मुहैया कराया जाए? जो आए दिन देखा जाता है उनके साथ में, सीएसपी के साथ में कैश पे भी हमले होते हैं, उसके जान माल पे भी हमले होते हैं, इसका अभी तक कोई सुरक्षा नहीं हुआ है। इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को देखने के लिए तैयार हैं तो आप देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज के लिए आप आए हैं जो आपके काम के लायक होंगे, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जो आप लोगों की समस्याएं हैं अभी के वक्त में, जो भी सीएसपी संचालक है उसके साथ शोषण हो रहा है, वो लोग शोषण का शिकार बन रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे कि ये टारगेट और शोषण के ऊपर जाने से पहले, अगर इस वीडियो को कोई भी बीसी के स्टाफ या फिर बीसी महोदय या फिर हमारे आरएम सर तक अगर पहुंचती है, तो कल को अगर मेरे ऊपर अगर कोई कमेंट करते हैं या फिर मेरे ऊपर कुछ कहते हैं, उससे पहले मैं आप उनको ये बता दूं कि डियर आरएम सर, मैं रिस्पेक्ट करता हूं आपका जो भी प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, बहुत अच्छा स्कीम है, लेकिन वो जो स्कीम के लिए आप लोगों के द्वारा जो सीएसपी संचालक को प्रताड़ित किया जा रहा है, यानी कि परेशान करके, टॉर्चर करके, धमकी देकर के कराया जा रहा है, वो कुछ हद तक तो कम हुआ है। मैं आरएम सर का शुक्रगुजार हूं कि मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाया था, तो इसके ऊपर में बीसी के द्वारा जो भी उनके स्टाफ हैं जो कॉल करके ये कन्वेंस करते हैं, उनका जो तरीका होता है कॉल करके कन्वेंस करने का, वो कहीं से सही नहीं होता। तो सबसे पहले मैं उसके ऊपर भी चर्चा करूंगा, लेकिन डियर बीसी सर या आरएम सर से मैं ये कहना चाहूंगा, क्या आप लोगों ने कभी इसके ऊपर भी गौर किए हैं कि जिस सोशल स्कीम को आप गांव गांव तक, गरीबों तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, और 100% सीएसपी संचालक उस काम को अंजाम दे रहे हैं, क्या कभी उसकी सुरक्षा के ऊपर में आपने कभी भी कोई ऐसा काम किए हो जो लिखित रूप में सीएसपी संचालक के पास हो या फिर उसके लिंक ब्रांच में हो, कि कोई भी अनहोनी होने के बाद में उसकी कैश की सेफ्टी, उसकी जान माल की सेफ्टी उसकी लिंक ब्रांच के द्वारा कराई जाएगी? अभी तक मुहैया नहीं हुआ है। तकरीबन 2012 से सीएसपी संचालक सही ढंग से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी लिंक ब्रांच में इस मैटर पे, सीएसपी संचालक को सुरक्षा मुहैया कराने के मैटर पे कोई भी दस्तावेज, कोई भी लिखित डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। तो डियर आरएम सर, क्या आपको ये सोशल स्कीम करा करके उन गरीबों की चिंता तो है आपको, और होनी भी चाहिए, ये अच्छी पहल है। मैं गवर्नमेंट को भी सलाम करता हूं, मैं आपको भी सलाम करता हूं कि ये स्टेट बैंक के द्वारा ये गांव तक ये स्कीम पहुंच रहे हैं। क्या उस स्कीम को पहुंचाने वाले सीएसपी संचालक की जान की कोई कीमत नहीं? क्या उसके साथ ले जाया जा रहा अमाउंट के ऊपर में कोई उसकी सुरक्षा नहीं? सर, आप गार्जियन हो ना, तो आपके ऊपर ही जिम्मेदारी है, मैं आपसे ही पूछूंगा, और मैं किससे पूछूं, क्योंकि आपके नीचे जो भी चैनल बनाए हैं आप लोगों ने, वो चैनल सिर्फ धमकी के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। अब हम लोग बात कर देंगे सर कि सीएसपी संचालक को शोषण कैसे किया जा रहा है, ये भी मैं बताना चाहूंगा आपको और हमारे जो भी सीएसपी संचालक हैं। पहला तो सबसे पहले सर मैं ये कहना चाहूंगा, उन बीसी सर को भी कहना चाहूंगा जो उनके माध्यम से कॉल करके कन्विंस करते हैं सीएसपी संचालक को कि आप अपना टारगेट पूरा करिए, तो सर मैं कहना चाहूंगा कि सीएसपी संचालक एक मेच्योर्ड, एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, वो समझ सकते हैं कि हाँ ये स्कीम क्यों जरूरी है आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, तो वो बखूबी इस चीज को कर रहे हैं। जो कॉल करके कन्विंस करते हैं बीसी सर के जो भी स्टाफ होते हैं, उनका पहला टोन सर पता क्या होता है कि आपने अपना सीएसपी लॉगिन कब किया, आप कहां पे हैं अभी, आप रिपोर्ट भेजिए। सर कभी भी ये कॉलिंग करने का ये सही तरीका नहीं होता। अब मैं सिखा नहीं रहा हूं किसी को, लेकिन कोई तरीका नहीं होता है कि आप ऐसे शख्स के पास कॉल कर रहे हो जो एनी टाइम हाई रिस्क पे चलता है, कब उसके साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता है, आप बिना अपना इंट्रोडक्शन दिए उससे ये पूछ लेते हो कि आप कहां हो, कितने बजे लॉगिन किए हो,
अरे भाई सबसे पहले तो उसे कॉल करो तो आप अपना परिचय तो दे दो, अपने बारे में बता तो दो कि हम फलां जगह से मैं बात कर रहा हूं, मैं आपका शुभचिंतक हूं, आपने सर जो गरीबों की जो स्कीम है उस पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितना हुआ उसकी रिपोर्ट दे दे। सर हम लोग भी तो एक इंसान है ना, तो हमारी भी तो फीलिंग होती है। यू मतलब इस तरीके से मतलब शोषण करना, कहीं नहीं करोगे तो कोर्ट बंद हो जाएगा, फला ढिमका, ये क्या है सर? अब सीएसपी संचालकों को मैं कहना चाहूंगा कि भाई साहब अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये आपका इस मंथ तक का ही टारगेट है तो आप ये भूल जाइए, ये गवर्नमेंट का स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि ये टारगेट कभी खत्म नहीं होने वाली है। हाँ आप लोग कोशिश करें कि आपके गांव आपके शहर में जो भी लोग हैं उन सब तक ये सोशल स्कीम पहुंच सके, ठीक है? और एक बात और कहना चाहूंगा, कभी भी आप अपने फ्रस्ट्रेट में आकर के या किसी के दबाव में आकर के आप काम हरगिज ना करें। मैं एक बात कहना चाहता हूं, डियर आरएम सर, डियर बीसी सर, सैटरडे संडे आप हर सीएसपी को ये टारगेट दे दीजिए कि अपने लिंक ब्रांच पे कैंप लगा के बैठ जाए, जिस दिन ब्रांच ओपन होती है खुली होती है उस दिन हम लोग कैंप लगा करके आपके अपने लिंक ब्रांच पर बैठ जाते हैं, और वहां पे जितने ग्राहक है मैं उन सबका भी करता हूं ये सोशल स्कीम। सर वहां पे तो कोई ऐसा सोशल स्कीम जल्दी नहीं हो पाते हैं, लेकिन होना चाहिए सर, क्योंकि वहां भी तो गांव देहात के लोग हैं, तो उस तरीके से भी होना चाहिए। और सर डियर सर मैं भी कहना चाहूंगा, प्लीज आरएम सर आप इस पहलू पे भी ध्यान दे, सीएसपी की जान माल के ऊपर भी ध्यान दे। आज जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है जो आपके माध्यम से आते हैं लोगों तक तो पहुंचा रहे हैं, हम लोग जो पहुंचा रहा है सर उसकी जान माल की हिफाजत कौन करेगा? तो डियर सर आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इसे जरूर 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 इसे समझेंगे और सीएसपी संचालक को सुरक्षा देने की कोशिश करेंगे। आए दिन देखा जा रहा है कि इस तरीके की घटनाएं आम हो गई हैं, अपराधी घटना को अंजाम देकर के आसानी से फरार हो जाते हैं और फिर वापस आ करके उसी काम को भी बड़े आसानी से करने लगते हैं, यानी कि उस अपराधी को जरा सा भी खौफ नहीं होता है कि हमने किसी का नुकसान किया, किसी के साथ लूटपाट की तो मुझे कोई कड़ी सजा मिला, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो लोग फिर वापस आ करके फिर वही काम करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आर्यम सर प्लीज इसके ऊपर आप जरूर ध्यान दें, और मैं सीएसपी संचालकों से भी कहना चाहूंगा कि आप लोग मेरे भाई कोशिश करें कि बैग का इस्तेमाल बहुत कम से कम करें, और आप अपने लिंक ब्रांच को कहें कि आपको ज्यादा से ज्यादा बड़े नोट दें, 500 का नोट कोशिश करें ज्यादा कलेक्ट करने का, क्योंकि छोटा नोट लेंगे तो फिर बैग कैरी करनी पड़ेगी जिसमें रिस्क और अधिक बढ़ जाते हैं। सो आप लोग कहीं ना कहीं अपनी सेफ्टी खुद से भी करने की कोशिश करें, जब तक आरएम सर इन मुद्दों के ऊपर विचार करें ध्यान दें तब तक आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी सेफ्टी खुद बनाने की कोशिश करें और अपने परिवार की हिफाजत करें, और बिल्कुल टेंशन लेके काम मत करो, बिल्कुल आप फ्री माइंड से काम करो, जो भी स्कीम्स जो भी काम है उसको अपनी काम समझ के करो, किसी का मतलब गुलाम बन करके करने की कोशिश मत करो, किसी के दबाव में आकर के कोशिश करने की कोशिश मत करो, कोशिश करो कि आप जो कर रहे हो इससे क्या फायदा हो सकता है लोगों को, जब दिल से आती है कि हाँ फायदा हो सकता है बेधड़क आप उसे कर डालो। ये छोटी सी जानकारी थी, मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं, आई होप दोस्तों की जानकारी आप सबको अच्छी लगी है, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। ओके थैंक यू, बेस्ट प्लेक्स यू अगेन।